Dallas, 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 क्या हाल है क्या हाल है, क्या हाल हाल है, है? मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी डीजे मोदी, मोदी अख्तर सुबह शाम सिर्फ आपके लिसनिंग प्लेजर के प्ले लिए आता है यू आर लिसनिंग टू अ लीडर्स जर्नी प्रोड्यूस्ड बाय वैशाली ठक्कर एम मोडी अख्तर दिस शो इज फॉर एवरीवन लिसनिंग लिस्ट टू फनेश रेडियो जिनको अपने जिंदगी में कुछ बनने की चाहत है और जितने लोग अभी हमें सुन रहे हैं फनेशर रेडियो को हम सभी इसी चीज के पीछे लगे हुए हैं इट कम्स विद पैशन इट कम्स विद ड्राइव एंड वी ब्रिंग यू लीडर्स हु हैव मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर कम्युनिटी एंड वन ऑफ द लीडर टुडे आई एम सो फॉर्चुनेट टू से इट्स मिस्टर जे चीनी आई जस्ट गिव अ क्विक बाइट बिफोर मोना गिव्स अ इंट्रोडक्शन दैट आई हैव अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स Who do deep dive into technology? They are VPs, they are CTOs, CEOs, IT professionals, engineers, data scientists, and they all ask me, "Muti, you, you are at Funasia, do you know Chiniji? We would love to meet Chiniji. We listen to Chiniji. He is so vast, versatile, so much knowledge. Chiniji on Funasia Radio." Our very own RJ Cheney G. Dallas has known this voice of the afternoon for the past 10 years. The music and the information around the songs and artist has mesmerized listeners. Cheney G has been attracted to music since he was 11 years old. In 2001, he came to Dallas to visit his son. At that time, the radio station had an opening for an RJ, so he applied for the position. And as they say, the rest is history. Chini G never gets his information about the stars from the internet. All his research are from autobiographies or first hand information. And this authenticity is his USP. Ji, welcome to Fun Asia Radio. As a guest, honored to have you here. Modi, thank you so much. For me also it's a dream come true because the whole town Moody Jiko janta? I mean your name itself. Bhadbadi signature, especially on Saturdays when you are there. And it is not today. Ten years ago, when I used to be in the car and whatever questions you were asking to the audience, I was waiting, 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 and you could take the entire crowd with you along with you. So I'm very, very happy to be here with you today, Moody. And uh, thank you, Mona, for the lovely introduction. And here I am. Shoot. You want to, so चीनी जी पहले तो हम अपने विशाली ठक्कर को बहुत सारी शुभकामनाएं यस yes, आज उनका जन्मदिन है एंड वोट कितनी शाइस्ता खातून है वो वो जो उनको जानता है वो ही जानता है आई I मीन mean, इतनी विनम्र इतनी पोलाइट की एक मुकम्मल तस्वीर उनकी अगर बनाए तो ये सबसे ज़्यादा ये इनकी पर्सनालिटी का एक रूप उभर कर आता है इतनी पोलाइट और आई थिंक हम सब बड़े भाग्यवान हैं कि वी आर वर्किंग अंडर वो हमारी रहनुमा है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है और उनके बिना हमारा कोई कार्यक्रम मुकम्मल हो ही नहीं सकता हैप्पी बर्थडे वैशाली ठक्कर फन एशिया रेडियो एंड द एंटायर फन एशिया टीम लव्स यू वैशाली सो चीनी जी स्टार्ट विथ योर जर्नी कहाँ से आपकी शुरुआत आपका बचपन आपकी पैदाइश कहाँ से शुरू हुई well i was born uh, a small uh, a town in gujarat that is uh, near rajkot and uh, i had some early education in rajkot uh, i mean in that town and then we moved to maharashtra near nagpur so we already had a business there and uh, i was there i did my uh, early education there then i moved to nagpur and in nagpur i did my college years and there and i did my masters also

जिंदा रहे ये हमारी राष्ट्रभाषा हमारे देश में जिंदा रहे लोग इसे भूलने लगे तो मैं अपनी तरफ से एक यथासंभव एक छोटा सा प्रयास करता हूं सो चिनी जी ये बताइए कि आपके फैमिली में कोई और भी रेडियो करता था एनी वन इन योर फैमिली दैट हैज डन रेडियो बिफोर बिकॉज इट कम्स विद सो मच टैलेंट नो मुड़ी जी इनफैक्ट मुझे भी आई यूज टू बी आई यूज टू गेट पुल्ड अप कि क्या रेडियो कान पे लगा के बैठा रहते हो कहाँ रेडियो ही सुनते रहते हो बिकॉज ट्रांजिस्टर वॉज नॉट दे वी यूज टू हैव अ ग्रामोफोन विद द की कीचावी लगा के ना एंड आई हैड तीन चार रिकॉर्ड्स मुझे दिला दी थी जिसमें से एक तो थी रमैया वस्ता वैया सो दैट सॉन्ग इज स्टिल मेरी मेमोरी में ऐसा बैठा हुआ है बट नो बट इट रेडियो फ्रॉम द फैमिली एंड इवन आई हैड नॉट डन रेडियो वाइल आई वॉज इन बॉम्बे i came here and it all started radio started in dallas only in bombay we had our own business of uh, sap training center so but i knew so many film stars without radio also in bombay Wo kaise? Um, because uh, i lived in juhu and in my building suresh obroy and raj babbar

हु हैड ए वेरी लिटरली बैक्राउंड दैट इज़ जहीर अबर बबर साहब की वो बेटी है जहिर अब्बास साहब की और शी गॉट मैरिट टू राजो नोट उनके वालि साहब का नाम था एंड शी इज अ वेरी उर्दू राइटर एंड बहुत ही वेल एजुकेटेड लेडी हैं सो उनसे भी मेरी अच्छी दोस्ती थी शी वॉज रनिंग ड्रामा स्कूल ऑल्सो सो ये बहुत सारे एक्टर्स इवन इरफान खान हैज़ एक्टेड इन हर ड्रामा एंड उनके ग्रुप का नाम था एकजूत ग्रुप जिसमें से लिली पुट एंड इवन टू टेल यू अनुपम खेर दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम पृथ्वी थिएटर वेयर आई लिव नियर बाय सो एवरी इवनिंग माई पास टाइम मेरा महबूब मशगला ही ये था कि वहाँ जाके बैठें और ये प्लेस देखें सो आई हैव मेट एवरीवन पर्सनली एंड आई नो देम कि हाउ स्ट्रगल व्हाट स्ट्रगल दे गॉन थ्रू टू बी वेयर दे आर यस वेयर दे आर इट्स नॉट अ इजी राइड ओह नो इट इज नॉट और वो नादिरा बब्बर ने अपने घर का किचन इन लोगों के लिए खुला रखा था जितने भी नए लोग आते थे और ड्रामा स्कूल से दे कैन कम एंड ईट so that they don't have to search for food outside. wow. so that was very wonderful of her. so Dallas आप लोग सुन रहे हैं Foundation Radio A Leader's Journey. I have very privileged uh, Mr. Chini Ji हमारे अपने Foundation Radio के here as a leader today. this show is produced by Vishali Thakkar. I'm Mudi Akhtar. only here क्योंकि आप हमें सुनते हैं. Chini Ji आपकी Dilip Kumar से साहब से दोस्ती कब और कैसे हुई? हाँ क्या खूबसूरत सवाल आपने किया है और इतनी मेमोरीज इसके साथ में जुड़ी हुई हैं एंड आफ्टर द शो आई कैन शो यू सम ऑफ द पिक्चर्स आई वाज रियली आई हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ मीटिंग इम इन बॉम्बे बट इन 76 सिक्स देर वॉज एमरजेंसी वॉज इम्पोज इन इंडिया एंड आई वॉज इन नागपुर नागपुर में मेरी एक फ्रेंड थी यू नो हरीश सालवे इज ए वेरी फेमस नेम मोना यू माइट हैव हर्ड अबाउट हिम इफ यू आर फ्रॉम इंडिया हरीश सालवे इज द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर टुडे इन इंडिया अभी अभी भी अब आज ही आई मीन नो बडी कैन अफोर्ड इम ट्वेंटी उनके वालिद जो थे वो थे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर एनके पी सालवे एंड उनकी डॉटर अरुणा वाज माय फ्रेंड एंड दिलीप कुमार फ्रेंड ओके सो दिलीप कुमार जब आ रहे थे नागपुर तो मैंने अरुणा से कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्ती में मुझे दिलीप साहब से एक बार मिला दो तो उसने कहा बिल्कुल मिलाया उसके बाद दिलीप साहब से मेरी बातचीत हुई उसके बाद उनकी शेर व शायरी सुनी फिर मैंने उन फिल्मी कुछ डायलॉग्स उनके सामने पेश किए मुगले आजम के तो ही वॉज वेरी हैप्पी तो कहने लगे मियाँ अगर तुम कहते तो मैं तुम्हारे लिए एक

एंड धीरे से वो कहते हैं सालवे साहब को उनको पूछो अशरफ को मैं यहाँ रह सकते हैं हम लोग अरे मैंने कहा और क्या चाहिए आप यहाँ रहें एंड पूरी रात हम लोग उनके खदमत में लगे रहे सुबह अर्ली मॉर्निंग शामी कबाब एंड ऑल दैट सो दो मेमरीज आर इन माई देयर यू नो सो वट वट वॉज यूनिक अबाउट दिलीप कुमार आई मीन मैन सो पॉपुलर कैन बी सो मच डाउन टू अर्थरशिप लेसन राइट मैं सोचता था कि ये इतने हम लोग तो है ना हमारी नजर नहीं हटते थे उनसे सपना तो नहीं देख रहा हूं दिलीप साहब नहा के निकले तो नो कॉम इिस और बाल सेट हो गए उसके बाद तो आई वेंट टू मेट हिम इन बॉम्बे सराज मिलाया और सायरा बानू जी को देख के मैंने सोचा कि मेरी दादी कभी कभी कहावत में कहती थी कि वो लड़के तो इतनी खूबसूरत है कि वो जब पानी पीती तो गले में नजर आता है तो मैंने कहा कि वो इसको देख के कहा होगा सायरा जी को शी वज सो प्रिटी आई टेल यू कि वो कैमरा जो है वो उनकी खूबसूरती को कैद नहीं कर पाता था wow. She was so so, अच्छा बाद में उनकी जो एक सिस्टर है सईदा वो हमारी बिल्डिंग में आ, रहने आई थी एंड इन बॉम्बे इन बॉम्बे इन जुहू नेक्स्ट वो चंदन सिनेमा बिहाइंड near चंदन सिनेमा तो इस तरह से एक के बाद एक एक्टर्स और इन लोगों से मुलाकातें होती रही बट मोदी जी आई वॉट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू कि ये एक्टर लोग नेवर फैसिनेटेड मी सो मच आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाई क्रिएटर लाइक म्यूजिक डायरेक्टर बाय अ लिरिस्ट अ शायर बाय अ डिरेक्टर by the background dancers. <laughs> <laughs> But actually Dilip Saab was an exception. क्योंकि उस समय के जो बड़े स्टार थे देव साहब दिलीप साहब उन लोगों को देखने के बाद बहुत कुछ सीखने मिलता था And that is what I learned from आर डी बर्मन और आर डी बर्मन से भी जब दोस्ती हुई तो अनफॉर्चुनेटली इट was ओनली फॉर लास्ट थ्री एंड हाफ years ऑफ हिज लाइफ बिकॉज

radio i came to see my son here and he was in uh, studying in oklahoma and i had suffered some heavy losses in uh, bombay in sap business because government has suddenly decided to stop all sap uh, institutions which were illegal and i never knew that the software which we are using is not legal okay so it was an overnight closure so my son said you come and stay with me for some time and you will feel better so i came here and then there was an announcement that we need RJs for the radio. I said, I, I used to live in Denton. So I DENTON? started <laughs> 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 So I started doing radio. And within a month, a uh, lot of positive feedback came. So the owner uh, said, ki आप हमारे साथ रहिए तो मैंने कहा लेकिन आई कैन नॉट वर्क फ्री आई वर्क फ्री फॉर वन मंथ इज एन नो नो विल पे यू सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड इंडी जी आई टेल यू वन थिंग आई हैव नेवर टोल्ड एनी वन माई वन शो अजीम फनकार इज वेरी पॉपुलर प्लीज गिव मी द क्रेडिट टू स्टार्ट इट आई एम द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट दैट शो completely you are focusing on one artist whether he's a music director or is a lyricist or is actor or a director not even in india later on even javed akhtar started doing it and Anu kapoor started doing it but i am the first one to start it in wow. 2001 wow. and azim fankar azim fankar there we and i started with uh, the total focus on nau no songs so On, तो अभी आज हमारे रेडियो पे पे भी भी कुछ लोग करते हैं, दूसरे जगह पे भी करते हैं जगह फनकार so है तो <laughs> <So> शुरु <laughs> की शुरुआत चीनी जी रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको डालस से और आपका क्या कहेंगे हमारे इतने सारे चाहने वाले आपको जो सुन रहे हैं उनको लुक एट द वे यू हैव अर्न द रिस्पेक्ट एंड दे लव दव गिवन मी ये तो बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया है इतना लव दिया और सबसे बड़ी बात यह है कि वेर यू आर वर्किंग यू आर सो हैप्पी के यू ट्राई टू गिव यू बेस्ट तो हमारे जो लीडर है जो हमारी रहनुमा है वो वैशाली जी को इसके क्रेडिट जाती है कि किस तरह से वो हमसे बेहतरीन काम लेने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही सेटिस्फाइंग बहुत मुतमिन हूँ मैं इस वक्त जहाँ तक uh, um, हमारे एंड मोदी जी आई वॉज आई एम आई एम स्टिल वंडरिंग कि यहाँ पे जो इंडिया के कुछ लोग हैं दे आर नॉट लिविंग इन इंडिया दे आर लिविंग हियर बट दे आर सो वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिट्रो म्यूजिक एंड योर शो आई हैव टू से आपने बोला ना यहाँ पे आ गए हैं यहाँ का कल्चर है यहाँ पे काम करते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में रहते हैं लेकिन वो चीनी जी को जानते हैं और आपके शो को सुनते हैं और महसूस करते हैं अपना कल्चर उसमें एंड जब भी मैंने कोई क्विज पूछी है मुड़ी जी अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उस क्विज का जवाब न मिला हो आई होम द मोस्ट डिफिकल्ट क्विज बहुत ही पुरानी बातें म्यूजिक कंपोजर की एक्टर की बर्थडे ऑल आर वेल इन्फॉर्म एंड दैट गिव्स यू लॉट ऑफ करेज यू नो कि आप जिनके लिए शो कर रहे हैं वो जानकार हैं उन, वो फन और उनके पास जोक भी है शौक भी है और वो सुन रहे हैं आपको चीनी जी एनी रिग्रेट्स आपके लाइफ में रिग्रेट्स तो नहीं लेकिन uh, कभी कभी मुझे कोई कहता है कि आपका वहां पे बिजनेस था आप कह रहे हैं तो व्हाट बिजनेस यू हैड तो वी हैड एन ऑयल इंडस्ट्री वी वर मैन्युफैक्चरिंग एडिबल ऑयल सो दे सो डू यू थिंक यू आर नॉट एबल टू डू इट हियर लेकिन वो सिर्फ पैसे वाली बात नहीं है वो कहते हैं ना कि साहिर साहब ने कहा था कि दिल की तस्की भी है आशाइश हस्ती की दलील दिल की तस्की भी है आसाइश हस्ती की दलील जिंदगी सिर्फ जरोसिम का पैमाना नहीं कि आपने कितना पैसा कमाया और कितना पैसा गंवाया इसके अलावा भी जो आपके दिल को एक सुकून मिलना चाहिए वो यहाँ मिलता है इस जॉब में मिलता है एंड जिस्त एहसास भी है शौक़ भी है दर्द भी है सिर्फ अनफास की तरतीब का अफसाना नहीं कि हमने सांस ली और सांस छोड़ी बस वो ज़िंदगी नहीं है लेकिन आम, उम्र भर रेंगते रहने से कहीं बेहतर है एक लम्हा जो तेरी रूह में वो सत भर दे एक लम्हा जो तेरे गीत को मसरत दे दे तेरे गीत को शोखी दे दे एक लम्हा जो तेरी तेरी लय में मसला भरते तो वो सब मुझे मिला है इसलिए आई थिंक आई एम द richest वाओ सो चिनी जी लिसनिंग टू यू अभी जस्ट जितने लोग अभी सुन रहे हैं हम सब यू नो लाइफ परफेक्ट नहीं है किसी के लिए किसी और हम सब भाग रहे हैं किसी ना किसी चीज के पीछे और शायद कुछ चीजें महसूस भी नहीं कर पाते तो उन लोगों के लिए जो स्ट्रगल करते हैं कि हम और कमाएं और बड़ी चीज ले और बड़ा बने और बड़ा नाम हो थोड़ा और थोड़ा और उनके लिए क्या सबक क्या मैसेज है नहीं स्ट्रगल तो करना चाहिए काम भी करना चाहिए इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ये पुरुषार्थ ही तो हमें मनुष्य बनाता है हम में और परिंदों में चरिंदों में यही तो फ़र्क है कि उनका 500 साल पहले के हज़ार साल पहले जैसा घर था वही आज है चिड़िया वही माने में रहती है लेकिन हम लोगों का मनुष्य का यही तो इसी तरह से तो तरक्की हुई है कि लोगों ने काम किया है हार्ड वर्क किया है कमाने की कोशिश की है देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट लेकिन वो आपका एक मकसद है ना उससे आप भटक नहीं जाए जैसे एक मिसाल है कि अ पर्सन इज गोइंग टू वर्ड्स ईस्ट वो जेब से सिगरेट निकालता है और मुंह में रखता है और सुलगाने की कोशिश करता है तो सामने से हवा आ रही है तो वो बुझ जाती है तो वो क्या करता है कि मुंह पलट देता है पश्चिम की तरफ और सिगरेट जला लेता है जलाने के बाद वो रास्ता भूल जाता है इस, it, तो ये नहीं होना चाहिए हम अपना रास्ता भूल जाए अपना डायरेक्शन डोंट गेट डिस्ट्रेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दियरफुल सो चिनी जी और क्या बताएंगे हमारे वंस अगेन इतने लोग सुन रहे हैं उनको और क्या बताएंगे जीने की चाहत जीने की चाहत तो रहेगी ही हर शख्स में है कोई बयान कर पाता है कोई नहीं कर पाता है लेकिन कई बार लोगों की शिकायतें लोगों की टीस जो मन में होती है वो जब पे नहीं आती है साहिर साहब ने कहा था कि जो तार से निकली है वो धुन तो सब ने सुनी है आपने अगर म्यूजिक बजाया तो जो तार से निकली है वो धुन तो सब ने सुनी है जो सास पे गुजरी है वो किस दिल को पता है तो अशकों में जो पाया है वही गीतों में दिया है इस पर भी सुना है कि जमाने को गिला है तो यहाँ मैं समझता हूँ कि जब आज से पंद्रह बीस साल पहले मैं यहाँ आया था तब में और आज के दैलिस में कितना फर्क है पर मुड़ी जी एक बात है आप अभी भी वही दिखते हैं जो उस समय दिखते थे आपके ऊपर यू आर स्टॉप एजिंग लेट मी टेल यू दिस आपके ऊपर उम्र का कोई असर नहीं होता दिखाई बहुत, बहुत बहुत आपका बहुत प्यार है चीनी जी उम्र तो सबकी गुजरती है बट हमें ग्रेसफुली अगर हम बड़े, है। है। बड़े होते रहे तो अच्छी बात है so चीनी जी आपकी शायरी में बहुत दर्द है और बहुत पैगाम है मैसेजेस हैं। कुछ और एक दो आशार अगर आपके पास कुछ या कोई भी चीज़ आप शेयर करना चाहें वो मैं एक छोटी सी चीज जो बहुत ही आज तक लोगों में बहुत पॉपुलर है हाफिज़ जालंदरी साहब की अभी तो मैं जवान हूँ वो चार बंदों में है मैं एक बंद सुना देता हूं अभी तो मैं जवान हूँ हवा भी खुशगवार है गुलों पे भी निखार है तरन में हजार हैं बहार पुर बहार है कहाँ चला है साकिया इधर तो लौट इधर तो आ अरे ये देखता है क्या उठा सुबह सुबह उठा सुबह उठा के पियाला भर पियाला भर के दे इधर चमन के सिमत कर नजर समा तो देख बेखबर। वो काली काली बदलियाँ उफक पे हो गई अयाँ वो एक में मैं कशा कशां मैं कदा रवा ये क्या गुमा है बदगुमा समझ मुझ ना मुझको तवा ख्याल अभी कहा अभी तो मैं जवान हूं तो इस तरह से वाह 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 क्या बात है बहुत बहुत अच्छा मजा आ गया बोलिए बहुत सारे सिंगर्स ने इसे गाया है लेकिन मलिका पुखराज की आवाज में और फिर उनकी बेटी की आवाज ने इसे अमर कर दिया है नगमा जावेदा बना दिया है और लोग बड़े शौक से सुनते हैं और मोना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इंट्रोडक्शन के लिए और हम एक बार वैशाली जी को फिर से ये उनके जन्मदिन की उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दें और और भी लोग हैं जो उस तरह बड़ी पोजीशन में होंगे तो उनके लिए ये मैसेज है कि इट इज़ नाइस टू बी इम्पोर्टेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नाइस लाइक हमारी वैशाली जी जी वाह नाइस टू बीपोर्टेंट कोई ऐसी चीज जो हमने पूछा नहीं या आप कुछ और बताना चाहें कुछ एक दो मिनट और बाकी है हाँ uh, मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू वन ऑफ फोर पॉइंट नाइन एफ एम फनियाली टू दी बिकॉज आई है प्रिवेलेज टू मीट एवरी वन ऑन दर्सनल बेसिस महेश भाई हों उनकी वाइफ मीणा जी हों पूर्वेश भाई हों सेम हों और वैशाली जी हों और इनकी यूनिटी देखकर हम लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है और ये लोग इस तरह से ऊपर आए इन्होंने ज़िंदगी देखी है स्ट्रगल देखा है तो इनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं एंड यहाँ रेडियो पे भी परफेक्ट ट्रैक्स की तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन रेडियो पे भी हमेशा मैंने देखा है कि वैशाली का एक जतन जो है वो यूनिटी लाने का है क्या वी शी ट्राइज टू ब्रिंग अस टुगेदर और उनकी जो लाइवलीनेस है और उनके जो लवलीनेस है और जो उनका प्यार है उससे हम लोग बहुत खुश हैं